डॉक्टर मलिक, तो कुछ 12 से 14 करोड़ बच्चों का अनुमान है जो कि 12 से 18 की उम्र के होंगे, फाइजर अगर अप्रूवल मिल जाता है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं विदेशों में दी जा रही है, आपको वैक्सीन का काम हमें पता है और जो जाइडस कैडिला है उसके बारे में बात यह है कि जुलाई अंत तक भी आ सकता है, तो ये जो पॉपुलेशन है 12 से 14 करोड़ की और करीब 25 से 26 करोड़ डोजेस चाहिएंगे, आपको क्या लगता है इसके लिए हमें कितना वक्त लगेगा और क्या ये इतना वक्त हमारे पास है? देखिए, संभवतः बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। जो जाइडस कैडिला है वो ऑलरेडी जो है ट्रायल्स कर रही है, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और 15-20 दिन में, और अगर वो पास हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो बच्चों को संभवतः लगनी शुरू हो जाएगी वैक्सीन। दूसरी जो कोवैक्सीन है उसके ट्रायल्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं एम्स पटना और एम्स दिल्ली के अंदर, बच्चों को भी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और वो ट्रायल्स भी जो है और प्रोग्रेस में, संभवतः उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी आ जाएंगे। और रेडी वैक्सीन हमारे पास में फाइजर की भी अवेलेबल है, वो भी अगर किसी भी टाइम पे इंपोर्ट हो जाएगी तो बच्चों को लगने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 12 से 18 साल के बच्चे, और ये भी बता दूं कि जो पिछली वेव आई थी उसमें 12 से 18 साल के बच्चे काफी ग्रस्त हुए थे बीमारी से, जबकि 12 साल से छोटे बच्चे भी हुए थे, लेकिन 12 से 18 साल का एक वर्ग है जो कि लगभग जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 12 से 14 करोड़ बच्चे हैं, तो उनके लिए संभवतः कोई 26 करोड़ या 28 करोड़ वैक्सीन जो है वो संभवतः बड़ी जल्दी आ जाएंगी। अगर इस वर्ग को हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ 12 साल से छोटा वाला वर्ग रह जाएगा। इन द मीन टाइम जो है कोवैक्सीन के ट्रायल्स, मैं आपको बता दूं कि वो 2 साल से बड़े बच्चे के लिए हो रहे हैं, तो तब तक कोवैक्सीन के भी आ जाएंगे। तो संभवतः मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर वैक्सीन भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ी जरूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में 18 साल से छोटा एक भी बच्चा, जो कि एक तिहाई पॉपुलेशन है हमारी पूरी पॉपुलेशन की, उनमें एक भी बच्चा अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक जाइडस की वैक्सीनेशन शुरू होगी 12 से 18 साल में, संभवतः 2 से 12 साल की वैक्सीन भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक वे में जो है ये, और इस वक्त समय भी आ गया है कि पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में हम वैक्सीन की ना केवल स्पीड को बढ़ाएं बल्कि उसका स्प्रेड भी बढ़ाएं और तीव्र गति से इसको बढ़ाएं, और उससे, क्योंकि यही एक विकल्प है जिससे हम अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और संभवतः थर्ड वेव को आने से रोक भी सकते हैं, या थर्ड वेव का जो प्रकोप होने वाला है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है कि बच्चों की वैक्सीन जो है जल्दी लग जाएगी। साथ ही में मेरी ये भी गुजारिश रहेगी सरकार से कि जो बड़ों की भी वैक्सीन है उसकी गति को भी और ज्यादा तीव्र करें, क्योंकि जब तक हम 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन रोज की नहीं लगाएंगे तब तक हमारा इस बीमारी से पिन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की स्पीड तेज होनी चाहिए। और वो भी सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई के बाद में मोस्ट लाइकली 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगेंगी और 31 दिसंबर तक 188 करोड़ वैक्सीन जो है हमारे देशवासियों को लग जाएंगी, जिसमें कि लगभग सारे एडल्ट्स को 2 डोजेस पूरी हो जाएंगी। तो अगर ये हो गया तो एक बड़ा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक स्टेप होगा, जिसमें कि हम मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे और शायद इस बीमारी से हमारा पिंड छूट जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक ही विकल्प है कि वैक्सीनेशन करें, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये बीमारी से पिंड छुड़ाएं। डॉक्टर मलिक, यहाँ पर एक सवाल और है और वो ये है कि आप डॉक्टर गुलेरिया जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं करीब 1.5 साल हो गया, उनकी पढ़ाई का भयानक नुकसान हो रहा है और अब वैक्सीन दे देंगे और उनको हम स्कूल भेजेंगे, तो मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि वंस वैक्सीनेटेड क्या हम अभी तैयार हैं कि बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि अभी स्ट्रगल तो वही उन्हीं लोगों के बीच हो रहा है जहां ऑफिस स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां लोगों को मिलना जुलना पड़ रहा है, उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग चाहकर भी पालन हो नहीं पाती है। हम दूसरे देशों का भी उदाहरण देख रहे हैं, इसराइल और दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद मास्क फ्री खुद को घोषित कर दिया था लेकिन अब वापस से मास्क पे लौट आए, तो कुछ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या हम तैयार हैं कि वैक्सीनेट करके बच्चों की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी? देखिए, इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा, इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं। पहले तो मैं ये स्पष्टीकरण कर दूं कि सरकार ने जो 135 करोड़ वैक्सीन 31 दिसंबर को दी है, उससे पहले सरकार ने एफिडेविट में एक और भी चीज कही है कि 53 करोड़ वैक्सीन जो है वो हम 31 जुलाई तक लगा देंगे, और 31 जुलाई से लेके और 31 दिसंबर तक 135 करोड़ लगाएंगे, तो टोटल 188 करोड़ हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि 188 करोड़ अगर ये हो जाता है और उसके बाद बच्चों की अलग से वैक्सीनेशन हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम रहेगा, इससे हम लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे अगर ये 31 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देते हैं। दूसरी बात बच्चों की बात रही, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, जब तक हमारे बच्चे सेफ नहीं है, जब तक कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़कर 60 से 70% नहीं हो जाती है, बच्चों की वैक्सीन भी आएगी तो तुरंत सबको नहीं वैक्सीन लगेगी। बच्चों के अंदर 2-3 खास चीजें होती हैं।
सबसे पहली चीज तो ये होती है इनकी पीयर ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो बड़ी क्लोज होती है, और ये बच्चे उतना ज्यादा हाइजीनिक मेजर्स नहीं ले सकते जो हमारे यहाँ पर बड़े नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे से मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत हाइजीनिक मेजर्स लेंगे। स्कूल्स जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं इन्फेक्शन को फैलने के लिए। अब आपने भी सुना होगा बचपन में हमने देखा एक बच्चे को चिकन पॉक्स होती थी तो आधे क्लास को चिकन पॉक्स हो जाती थी, फैल जाता था। तो स्कूल्स के अंदर बड़ी जल्दी ब्रीडिंग होती है। मैं समझता हूँ कि स्कूल्स तभी खुलने चाहिए जब हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाए, और संभवतः आने वाले 2 से 3 महीने में काफी हद तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो है तेजी से बढ़ेगी। तो बच्चों को हमें सेफ्टी में रखना बड़ा जरूरी है। उसकी वजह ये है कि बच्चों के अंदर एक खास बीमारी होती है जिसे हम MIS कहते हैं, जो बड़ों में नहीं होती है। कोविड के पेशेंट्स में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है जिसकी की ट्रीटमेंट भी ICU में होती है, जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे सेफ रहें। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ को हमारे को सेफ्टी में रखना बड़ा जरूरी है। तो सेफ्टी में बच्चों को हमें तभी तक रखना चाहिए जब तक कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, और उसके बाद ही केवल हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 महीने हमें बच्चों को आइसोलेटेड रखना है। वैसे भी इस वक्त जुलाई अगस्त आ गया और पुराना सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बच्चे वैसे भी गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ना चाहिए, और तीव्र और अति तीव्र गति से हमें वैक्सीनेशन लगा के हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे सेफ रहें, और फिर हम सेफ्टी से उनको जो है स्कूलों में भेज सकते हैं। और उसके बाद भी स्कूलों के अंदर एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसी तरह से एक एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं, उस वक्त स्कूलों के अंदर प्रॉपर एहतियात बरतना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, डेस्क और उसके अंदर फासला लंबा रखना पड़ेगा, हर क्लासरूम के बाहर में हमारे को हैंड सैनिटाइजर्स होने चाहिए, वो सारी प्रिकॉशंस, और टीचर्स को प्रॉपर एजुकेट करके तब हम कहीं जाके धीरे से खोल सकते हैं। क्योंकि अगर ये बीमारी बच्चों में फैली तो हमारा देश इतना साधन संपन्न नहीं है, हमारे पास में इतने पीडियाट्रिक ICUs नहीं है, क्योंकि बच्चों का इलाज थोड़ा डिफरेंट जैसे होगा। बिल्कुल डॉक्टर मलिक, एक सवाल थोड़ा अनप्रैक्टिकल भी लग सकता है आपको, और कोई इसका जवाब शायद देना थोड़ा कठिन भी हो, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं, कई बार आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं तो ओपिनियन नीचे जो आती रहती है ऑनलाइन, वो उसमें एक सवाल है बहुत लोगों की ये कि हम कहाँ खड़े हैं इस पैंडेमिक में, अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने आया, क्या कितना रास्ता और बाकी है? देखिए, हम पेंडेमिक के अभी बीच में खड़े हैं, हमें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम सबकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है, वी आर इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म। हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा तूफान थम गया है, लेकिन अभी भी हम पेंडेमिक के बीच में खड़े हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम पेंडेमिक के बीच में खड़े हैं, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, हमें सोशल स्प्रेडर इवेंट्स, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या किसी भी तरह की सोशल सामाजिक हो, उसके हमें पार्ट नहीं बनना है, और साथ में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगानी है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, पेंडेमिक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो बार बार वेव्स में आता है, और संभवतः थर्ड वेव आने की भी पूरी संभावना है, इसको हम समझ के चलते हैं। जबकि अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है, तमाम तरह की हम प्रिडिक्शंस करते हैं और वो गलत जाती है, लेकिन तो हम वी आर इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ नहीं जाती है, हमारे को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा सवाल बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा, थर्ड वेव के अंदर हो सकता है लाइकलीहुड हो कि हमारे बच्चों के ऊपर और प्रकोप हो, हमने सेकंड वेव में भी देखा है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट किया है। डॉक्टर